नमस्कार दोस्तों, मैं एक मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एआरएम। मैंने सोचा तो वो बहुत ही अच्छी हॉलीवुड फिल्म की तरह होगी, चलो बढ़िया चलते हैं देखने के लिए। लेकिन जैसे ही गया देखा तो 10 इधर बैठे हैं, 10 और पीछे कहीं बैठे थे। समझ नहीं आया यार, ये कहीं मूवी मैं तो गलत देखने नहीं चलाया। फिर जब लगी मूवी, भाई साहब जो उसमें इफेक्ट विजुअल ग्राफिक थे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बड़ा शानदार मूवी की। आज तो पॉपकॉर्न बैठ के खाते हैं आराम से, उसके बाद पूरी मूवी फुल देखते हैं, क्या दिक्कत है। जो मैं स्क्रीन शुरू हुआ मैंने सोचा चलो आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं, पूरी मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं। क्योंकि शुरू में यार ऐसा ऐसा दिखा रहा था, आकाशवाणी हो रही है, उनका पिंड गिर रहा है। मैंने सोचा आगे कहानी अच्छी होगी। लेकिन यार शुरू में ही चोरी के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, बस चोरी के इर्द गिर्द। इस मूवी में मैंने खास जो देखा वो बताऊँ, उल्का पिंड जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। भाई साहब हमारे यहाँ उल्का पिंड कई गिर जाते हैं, लेकिन भाई देशों देशों में लड़ाई नहीं होती है जितना उसमें लड़ाई होने लगी। मैंने सोचा यार ये चोरी तो कम से कम पूरी कर ले, चोरी ख़त्म कर ले यार चोरी। या तो भाई साहब मैं खुद होता ना उससे, चोर को कहता ले तू ही जा, कम से कम बंद कर ये चोरी करना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उल्का पिंड गिरता है ना उसमें जो धातु रहता है, वो धातु उसको राजा क्या करता है, उसको ना छिपाने के लिए एक दीपक में कन्वर्ट कर देता है, उसकी रक्षा करने के लिए। उसकी रक्षा करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रक्षा करती है। अब बताओ वो धातु की रक्षा करने के लिए यार पीढ़ी दर पीढ़ी को लगा दिया, क्या है यार, उसे कोई यार वैज्ञानिक को दे दिए होते, क्या हो जाता तुम्हारा, कुछ बिगड़ जाता, लड़ाइयाँ ही नहीं होती, चोरी ही नहीं होती। भगवान के पदचिन्ह, भगवान की आकाशवाणी, भगवान के उल्का पिंड। हाँ लेकिन एक बात करें, इसमें कैरेक्टर अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो इफेक्ट है विजुअल इफेक्ट ग्राफिक अच्छे हैं। लेकिन भाई साहब ग्राफिक से तो मूवी नहीं चलेगी, इससे बढ़िया तो लेजेंड ऑफ द हनुमान है, यही लगा दें यार बहुत पैसा कमाएगी। ग्राफिक के बदौलत तो मूवी चलती नहीं है ना भाई। रेटिंग दूँ, रेटिंग देना है तो मैं 5 नहीं 6 में से 3 देता हूँ। हाँ 6 में से 3 आपको देना है तो कमेंट में बता दीजिए कितना आप देना चाहते हैं। नमस्कार।